मोरगाव स्थित श्री मयूरेश्वराय नमः। महाराष्ट्र मध्ये 8 गणपतीची रूप आहे, कोणते कोणते आहेत बघा। मोरगाव स्थित श्री मयूरेश्वराय नमः। सिद्ध टेक निवासी सिद्धि विनायकाय नमः। पाली क्षेत्र से बल्लाळेश्वराय नमः। महडवासी रची महेशनी जय मानस राख रची महेश मानस राख पाई सुसम सन भाषा पाई सुसमाय सिवासन भाषा ते राम चरित मानस बर ते राम धरे नाम हिए हेरी हर सिंहर धरे नाम हेरी हर सिंहर रची महेश निज मानस राखा महेश निज मानस पाई सुसमय सिवासन गाश पाई सुसमय सिवासन गाश आप सबका स्वागत। आज 9 दिवसीय राम कथा के इस सत्संग का विराम होगा, यानी हम उपसंहार की ओर जा रहे हैं। सूत्र के रूप में जो चर्चा उठाई गई उसका उपसंहार में बाद में करूं, इससे पहले कथा का क्रम का थोड़ा संक्षेप में निर्वाह कर लो। हमने भगवान राम को विश्वामित्र जी लेने आते हैं तो वहाँ प्रसंग छोड़ा था। विश्वामित्र जी आए अयोध्या और राम लक्ष्मण को लेकर जाते हैं। भगवान की अयोध्या से जनकपुर तक की यात्रा में कुछ विशेष प्रसंग हुए हैं। भगवान विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो रास्ते में ताड़का को मारते हैं, फिर विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न होता है, फिर भगवान की यात्रा आगे होती है जिसमें रास्ते में अहल्या का भगवत चरण धूलि से उद्धार होता है, और वहीं से प्रभु जनकपुर जाते हैं। जनकपुर में उसका स्वागत हुआ, सुंदर सदन में प्रभु का निवास हुआ।
भगवान ने नगर दर्शन किया और दूसरे दिन भगवान पुष्प वाटिका में फूल लेने जाते हैं, जहाँ जानकी जी से भेंट हुई, दर्शन हुए। उसके बाद प्रसंग आता है कि भगवान धनुष भंग करते हैं और जानकी जी जयमाला पहनाती है, फिर राम और जानकी जी का विवाह होता है। ये प्रसंग तो आप सब जानते हैं, समय का अभाव के कारण उसके विस्तार में तो हम नहीं जा पाते, लेकिन उसका तात्विक रूप थोड़ा सा समझ लो ताकि बालकांड का रहस्य समझ में आ जाए। चार घटना मुख्य, ताड़का हनन, अहल्या का उद्धार, पुष्पवाटिका में भगवान राम और जानकी का मिलन, और रंगभूमि में धनुष भंग, उसके बाद प्रभु का विवाह और भगवान की बारात अयोध्या आती है, लौटते हैं प्रभु और बालकांड पूरा हो जाता है। गोस्वामी जी ने कुछ संकेत दिए हैं कि ताड़का क्या है। मानवी मन में रही दुर्वासना दुराशा, यही ताड़का है। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की। हमारे मन में रही दुराशा दुर्वासना यही ताड़का है। प्रभु एक ही बाण से ताड़का को मारते हैं और दीन जानते ही निज पद दिन्हा। इसका मतलब यह हुआ कि मानवी के मन की दुर्वासना का नाश भगवान के बाण से होता है। प्रभु के प्रहार से होता है। जीव का प्रयास और प्रभु का प्रहार दोनों मिल जाए तो वासना नष्ट होती है। मैं ज्यादा नहीं उसका जिक्र कर पाऊंगा आज, इसलिए यहां जो कुछ बातें भी की जाती मैंने बीच में से रोक दी, क्षमा करें, क्योंकि ज्यादा अवसर नहीं इसलिए। और सभी औपचारिकताएं ठीक है करनी पड़ती हैं समाज में रहते, लेकिन मुझे लगता है कि सत्संग में क्या औपचारिकता। सत्संग केवल सत्संग के लिए हो। लोगों को ऐसा रहता है कि भाई वो आभार दर्शन करे, धन्यवाद ज्ञापन करे। हाँ, लोगों का तो आभार दर्शन करना ही चाहिए कि जिन जिन लोगों ने इसमें इस यज्ञ में सेवा की, लेकिन हमारा तो क्या आभार दर्शन करना, हम ये ना करें तो करे भी क्या। सुबह में कोई अपने बिस्तर से उठे तो क्या पूरा परिवार खड़ा होकर उसकी आरती करेगा, हाँ हाँ तू उठा तुम्हारी नहीं। अध्यात्म जगत में सबका अपना कर्तव्य है, व्यासपीठ का मेरा कर्तव्य है, मैं निभाए जा रहा हूँ इसमें, और औपचारिकता की मेरी दृष्टि से जरूरत नहीं। फिर भी आपका फूल हार मैंने और नारियल मैंने स्वीकार कर लिया है, शाल तो दी नहीं आए, उद्घोषक जी ने शाल भी कहा था लेकिन शाल तो आई नहीं, क्योंकि उद्घोषक का मुख उधर होता है कि घटना यहाँ घटती है कि क्या होता है ऐसा, इसलिए आपका भी दोष नहीं। और अच्छा हुआ कि मुझे शाल नहीं दी, क्योंकि मशाल पर शाल उठाना शाल को भस्म करने का है। व्यासपीठ मैं नहीं, व्यासपीठ मशाल है, एक ज्योति स्वरूपा है, उस पर शाल, मशाल पर कोई शाल उठाए तो शाल जल जाती है। आप अच्छा हुआ कि उद्घोषक जी ने कहा, फिर भी आपने नहीं उठाई तो मुझे शाल बाल अच्छा नहीं लगता, आपने अच्छा किया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज समय नहीं, इसलिए आपके भाव का मैं आदर करता हूँ आपको। मुझे किसी ने कभी पूछा था कि बापू आप तलगाजरड़ा से कहीं भी देश विदेश में कथा करने जाए तो क्या लेकर जाते हैं और क्या लेकर लौटते हैं।
उसका वही मैंने जवाब नहीं दिया, आज दे रहा हूँ यहाँ आपको, कि मैं आत्मविश्वास लेकर आता हूँ और लोगों का विश्वास लेकर लौटता हूँ। एक ही मेरा काम है, मैं आता हूँ आत्मविश्वास के साथ कि मेरी व्यासपीठ गाएगी जुमेगी और मैं दायित्व पूरा कर देता हूँ और ले जाता हूँ अनगणित भाई बहनों के आंखों में रही श्रद्धा और विश्वास लेकर फिर मेरे गांव लौट जाता हूँ। इसके अतिरिक्त किसी के साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं केवल व्यास रामचरितमानस लेकर आता हूँ और रामचरितमानस लेकर चला जाता हूँ। लोग कई भ्रांतियाँ उठा देते हैं, फैला देते हैं, उसको जवाब के भी योग्य नहीं है लोग, इसलिए मैं उसके जवाब में भी नहीं जाता। लेकिन मैं दो टुक बात कर रहा हूँ, देश विदेश में कोई माई का लाल मुझे कह सके कि बापू कुछ लेकर गए, मैं केवल आत्मविश्वास और मेरे गुरु की कृपा लेकर आता हूँ और तुम्हारा लोक विश्वास और लोक श्रद्धा लेकर लौटता हूँ। इससे अतिरिक्त मेरा किसी से कोई लेना देना न मंडप से, न माइक से, न फोटोग्राफ से, न चित्रपट से, न किताबों से, न कहीं से, मेरा केवल मेरी व्यासपीठ से नाता है। फिर भी आपका जो भाव है, आपकी जो श्रद्धा है, उसको मैं आदर करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय का अभाव है, इसलिए तो मैं संक्षेप कर देता हूँ कि मन की जो दुराशाएं हैं वो राम के बाण से मिटती है। तो मन की दुराशा मिटी और अहल्या का उद्धार का मतलब है बुद्धि की जड़ता मिटे, मन बुद्धि ये पूरा अंतःकरण का मामला है। बुद्धि मिटे, दुर्वासना दुराशा तो राम के बाण से मिटेगी, लेकिन बुद्धि की जड़ता राघव की चरण धूले से मिटेगी। महत्पाद रजो अभिषेकम, किसी महत के चरण धूली से बुद्धि की जड़ता मिटती है, चैतन्य आ जाता है जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि हो तो सुजान सुजान हो जाती है जड़मति। और फिर पुष्पवाटिका में राम और जानकी का मिलन हुआ, तब प्रभु ने जानकी जी की छवि को चित्र की दीवार पर परम प्रेममय मृदु मसी चित्त पर चित्रित कर दिया। ये क्या है? चित्त का निरोध है, पतंजलि के सूत्र के अनुसार मन बुद्धि और चित्त का निरोध प्रभु की कृपा से हुआ, भगवान ने स्वयं किया। और धनुष भंग का अर्थ है अहंकार का खंडन, अहंकार तोड़ना, पूरे अंतःकरण को संस्कारित करने का एक प्रसंग है। मन को प्रभु के तीर से, बुद्धि को प्रभु की चरण धूलि से, चित्त को प्रभु से ही, और धनुष भंग अहंकार प्रभु की कृपा से टूट जाए, तो फिर बहुत बड़े विवाह मंडप में भक्ति से हमारी प्राप्ति भक्ति हमको मिल जाती है। इति बालकांड। बाल चरित कही विविध विधि मन मह परम उछा, ऋषि आगमन कहे सिपुनि सिय रघुवीर। फिर अयोध्या कांड में भगवान के राज्याभिषेक का उत्सव की बात आई और भगवान को 14 साल का वनवास हो गया। भगवान राम लखन जानकी पिता के वचन के लिए सुमंत के रथ में वनवास के पथ पर निकलते हैं। विपिन गवन केवट अनुरागा, केवट की नौका में बैठकर प्रभु पार होते सुमंत लौटते हैं। भगवान भरद्वाज मेहमान होते हुए वाल्मीकि जी के स्थान की पृच्छा करते हुए भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं। यहाँ सुमंत लौटते हैं, दशरथ जी का प्राण त्याग, सचिवा गवन नगर नृप मरणा श्री रघुवीर बिरह भरता गवन प्रेम बहुवर्णा। फिर भरत जी आए, पिता की क्रिया की समाज को लेकर चित्रकूट गए और लय पादुका अवधपुर आए। ये अयोध्या कांड की कथा वस्तु, मैं तो थोड़ा ज्यादा विस्तार कर रहा हूँ, गोस्वामी जी तो गोसुंडी जी तो बिल्कुल संक्षेप में कह देते हैं। तो अयोध्या कांड का तात्विक अर्थ है बहुत इच्छाएं मत करना, बहुत इच्छा करने से वनवास पैदा होता है। जीवन के वनवास का गर्भ है अनंत इच्छाएं, क्योंकि
मन तो बड़ा अनंत है और शरीर की क्रिया शक्ति मर्यादित है। मन जितनी कामना करेगा इतना शरीर भोग नहीं भोग पाएगा, इतना नहीं करके दिखा सकेगा। और इस मन की अनंतता और शरीर की सीमितता के घर्षण से प्रत्येक परिवारों में राम वनवास पैदा हो जाता है। इसके रहस्य को इसी अर्थ में समझिए। इसलिए जितनी इच्छा कम, आवश्यकता सबकी पूरी हो, लेकिन सबकी इच्छा पूरी हो यह जरूरी नहीं है। आवश्यकता सबकी पूरी, ये स्वामी शरणानंद जी का वाक्य है। आवश्यकता सबकी पूरी होनी चाहिए। तुम्हें कपड़े की जरूरत मिलने चाहिए, रोटी की जरूरत मिलने तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें एक छपरे की जरूरत मिलने, लेकिन अनंत आशा कि हम ये करें हम ये करें हम ये, आशा पूरी करना परमात्मा का दायित्व नहीं है। जिन्हें पेट देना, जो जो दांत देता है वो चबाने का भी देता है, आवश्यकता है वो पूरी करता है, आशा नहीं पूरा करता। और फिर भी हम आशाएं बना, दशरथ जी आशा करते हैं कि पुत्र हो गया, नामकरण हो पूरा हो गया, फिर विद्या हो वो भी हो गई, अच्छी लड़की से शादी हो, जानकी जी से शादी हो गई, इच्छा करते ही गए और आखिर में कहने लगे अब राम का राज्याभिषेक हो। और अभिषेक हो जाता तो भी इच्छा रुकती कि नहीं, कौन दावा कर सकता। इस अनंत इच्छा की श्रृंखला से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में राम वनवास निर्माण होता है। उसी में एक ही उपाय है, राम वनवास के बाद इस ऐसी परिस्थिति को झेलने का जीव के पास एकमात्र उपाय है किसी समर्थक की पादुका का आश्रय। लय पादुका अवधपुर, इन आशाओं के झूले में झूलते वाले लोगों के जीवन में जब वनवास आता है तब एक आश्रय है पादुका। और ये पादुका से जीवन अयोध्या कांड की तरह ठीक हो जाता है। अरण्य कांड में भगवान चित्रकूट से प्रस्थान करते हैं, अनसुया अत्रि आदियों को मिलते हुए कुंभज के पास गए हैं, वहीं से रास्ते में जटायु से भेंट करते हुए विराजमान करते प्रभु गए हैं शबरी के आश्रम में। और शबरी के आश्रम में प्रभु भक्ति की चर्चा करते हैं, बीच में पंचवटी में जानकी जी का अपहरण का प्रसंग आ जाता है, फिर प्रभु खोजते खोजते शबरी तक पहुँचते हैं, पंपा सरोवर जाते हैं और नारद से चर्चा होती है, अरण्य कांड पूरा हो जाता है। और विशेष में नहीं कह पाऊंगा समय अभाव से, लेकिन अरण्य कांड में परमात्मा की प्राप्ति के बाद परमात्मा से जो चाह बनाए रहता है उसका अपहरण होगा ही होगा। जिस जानकी को प्रभु मिल गया उस जानकी को कांचन मृग की अपेक्षा राम से नहीं करनी चाहिए थी। एक बार जीव को हरि मिले, हरि को प्राप्त करो, हरि से कुछ प्राप्त मत करो। हरि को प्राप्त करना, हरि से कुछ भी नहीं मांगना। यदि हरि से मांगने गए तो फिर अपहरण ही अपहरण। जानकी जी राम से कहती है आन हूं जर्म कहती वैदेही, चमड़े की मांग की और उसी में अपहरण हो गया। और ध्यान दो, एक बहुत बड़ी सूत्रात्मक बात मैंने दो चार बार कही है, यहां भी कहता चलूं कि सीता ने एक रेखा नांगी, लक्ष्मण जी के द्वारा अंकित रेखा को जानकी जी ने नांग दिया। जब सीता रेखा लांग देती है तो राम को पूरा समंदर नांगना पड़ता है। वैसे समाज में किसी की बुद्धि, किसी की शक्ति जब मर्यादा का उल्लंघन करती है तब शक्तिमानों को बहुत कष्ट भुगतना पड़ता है, पूरे के पूरे समंदर को लांगना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में शक्तिमान को जो पीड़ा है उस पीड़ा का संवरण, उस पीड़ा से अपने घर की शांति केवल किसी शबरी की भेंट से ही हो सकती। इसलिए प्रभु और शबरी की भेंट होती है और भगवान पंपा सरोवर जाते हैं। किष्किंधा कांड में हनुमान जी मिलते हैं, सुग्रीव जैसे विषयी को प्रभु मिल गए हनुमान के माध्यम से। हम कैसे भी हो लेकिन अच्छा सदगुरु मिल जाए तो, सुग्रीव को राम पर भरोसा नहीं है, ध्यान देना,
बिल्कुल स्पष्ट कथा है मानस की। सुग्रीव को जरा भी राम पर भरोसा नहीं, वो तो कहता है ये कौन भेड़िया है, ये कौन है, भेद लेने आए हैं, है कौन। हनुमान जी ने कहा वो जो दो आ रहे हैं उस पर आपको कोई संदेह, बोले हाँ मुझे भरोसा नहीं, लेकिन हनुमान तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है, तू जाकर निर्णय करे। सो भगवान पर भरोसा न हो तो चलेगा, लेकिन सदगुरु पर जिसको पूरा भरोसा है ऐसे विषयी जीव को भी राम की भेंट हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, उसके बड़े बड़े वाली विकार मिट सकते हैं और प्रभु की कृपा का अनुभव कर सकता है। किष्किंधा कांड की वस्तु स्थिति। फिर तो सुग्रीव राजा होता है वाली प्राण भंग के बाद, अंगद युवराज होता है, चातुर्मास होता है, फिर जानकी की खोज के लिए बंदर भालू निकलते हैं, स्वयं प्रभा को मिलते हुए समुद्र के तट पर पहुंचते हैं और वहां संपाति से भेंट होती है और वो कहते हैं कि जानकी जी अशोक वाटिका में हैं, वहां जाए सो काम करें। उसके बाद सुंदरकांड का आरंभ होता है। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी जानकी जी तक पहुंच जाते हैं बाधाओं को पार करते हुए और माँ जानकी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अजर अमर गुण निधि। श्री हनुमान जी राम नाम की मुद्रिका लेकर समुद्र तैर गए और लौटते समय माँ की चुड़ामणि लेकर समुद्र पार कर गए। दो ही उपाय हैं समुद्र को तैरने का, एक भक्ति मार्ग जिसके ओठ पर राम नाम की मुद्रिका है वो छलांग लगा लेता है, और दूसरा भगवती के द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान का चुड़ामणि, ज्ञान भी समुद्र को तैर देता है, पार कर देता है। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी लंका दहन करके लौट आते हैं, प्रभुग्नि की सेना समंदर के तट पर जाती है, यहाँ विभीषण प्रभु की शरण में आता है, प्रभु ने मार्गदर्शन पाया और समुद्र के पास प्रभु 3 दिन उपवास पर बैठे, बीच में शोकों की कथा। आखिर में समुद्र शरण में आता है और भगवान ने सेतु बनाने का फैसला किया और समुद्र अपने स्थान में जाता है, वहाँ सुंदरकांड समाप्त होता है। लंका कांड के आरंभ में सेतु निर्माण हुआ, भगवान राम ने भगवान रामेश्वर की स्थापना की, एक बार जय जयकार करें। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। वैष्णव और शैवों के बीच एक सेतु निर्माण किया, आध्यात्मिक सेतु का स्थापन किया। फिर सेना लंका में गई, भगवान ने रावण का महारस भंग किया, फिर दूसरे दिन अंगद राजदूत के रूप में गए लेकिन मंत्रणा विफल हो गई, युद्ध अनिवार्य हो गया, बड़ा भयंकर युद्ध लड़ा गया। लक्ष्मण जी मूर्छित और इंद्रजीत की शक्ति से लखन मूर्छित हो जाते, प्रसंग जानते। गीतावली में तो गोस्वामी जी फरमाते हैं कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए भगवान ने लक्ष्मण को अपने गोद में लिया और बहुत रोए प्रभु, सब हैरान हो गए, सुग्रीव आदि सब, महाराज आप इतना रोते, लक्ष्मण जी की आपको इतनी चिंता है। तो आखिरी पंक्ति में कह देते हैं मुझे लक्ष्मण की चिंता तो होती है जरूर, भाई की चिंता किसको ना हो, आज मूर्छित है मेरे लिए इतना जागा, लेकिन लक्ष्मण नहीं जागेगा और ये सब बातें यहाँ समाप्त हो जाएगी तो ये बंदर भालू जो मेरे साथ है वो तो अपने अपने वन में चले जाएंगे, उसको तो कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे सबसे बड़ी चिंता है मेरे विभीषण का क्या होगा। मित्र की चिंता पुत्र से भी ज्यादा करे, उनका नाम ब्रह्म है, इसलिए वो वहाँ गीतावली में मित्र की चिंता विपत्ति काल कर सदगुण नेहा श्रुति का संत मित्र गुण एहा, ये गीतावली का भाव है। छोड़िए, बाद में कुंभकर्ण से लड़ाई होती है, कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त करता है, लक्ष्मण जी इंद्रजीत को वीरगति प्रदान करते हैं और आखिर में रावण और भगवान राम का युद्ध कल्पों तक गाया जाए तो भी उसका विपरण नहीं हो सकता, इतनी घमासान लड़ाई हुई। आखिर में 31 बाण से प्रभु ने 10 शीर 20 भुजाएं और 31वां तीर नाभि में मार करके मृत्यु से अमृत की ओर रावण को प्रस्थान करा दिया। मंदोदरी ने शोक व्यक्त किया, रावण मरने के बाद विभीषण को राज्याभिषेक हुआ,
छोटे बड़े प्रसंग हुए। जानकी जी को अग्नि कसौटी से पार करके मूल जानकी को प्राप्त करके मिलन हुआ और पुनि पुष्पक चरि कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जय विधि राम नगर निज आए बायस विसत चरित सब गाय कैसे बहोरी राम अभिषेका पुरवर्णत नृप नीति अनेका कथा समस्त भुसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी सुनि सब राम कथा खगना। गयो मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चरित भयो राम पदने तो प्रसाद वायस तिलक। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु लौट आए भरत को मिले राम राज्य की स्थापना हुई देवताएं आए राम राज्य की चर्चा हुई राष्ट्र देवो भव का नारा गूंजा और विश्व में परस्पर प्रीति का सूत्र सब। इसी तरह काकभुसुंडी जी ने राम कथा पूरा कर दिया, मैंने भी आपके सामने पूरा कर दिया ताकि आप कह न सके कि बापू ने रामायण की कथा पूरी कही ना। राम जी का राज्याभिषेक हुआ है, जय जयकार कीजिए। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, चारों भैया की, भारत माता की, हर हर महादेव। तो राम कथा में उत्तर कांड में तो फिर गरुड़ के प्रश्न है, भुसुंडी जी का जीवन चरित्र और गरुड़ के साथ प्रश्नों का उत्तर दिया है। ये सब कथाएं तो बिलक बिलक प्रसंग लेकर कथा में विशेष प्रसंग उठा करके मैं जितना हो सके कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह भगवान की कथा विराम लेती हैं। अब आइए मूल जो सूत्रात्मक चर्चा चल रही थी जिसका नामकरण मैंने कल सूचित कर दिया था, इस कथा का नामकरण है मानस देवो भव। स्वयं मानस ही मेरी दृष्टि में देव है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, प्रेम देवो भव, मृत्युर्देवो भव और राष्ट्र देवो भव। इन सात सूत्रात्मक चर्चा जो चली उसी पूरी सत्संग का नाम है धुड़े की कथा का इस नाम मानस देवो भव। मानस स्वयं देव है, यथार्थ देव है, धरा पर का देव है। जो हम उसको हाथ में ले सकें, सिर पर रख सकें, प्यार कर सकें, गले लगा सकें, पढ़ सकें, ऐसा ही साक्षात देव जिसमें सात देवताओं की देव बुद्धि की चर्चा ये व्यासपीठ कर रही थी। आज आखिरी दिन, आखिरी समय यानी इस कथा का, उसमें उपसंहारक बातें कुछ मैं आपसे कहूं, आप गंभीरता से सुने। मातृदेवो भव तो बालकांड का विचार है, पितृदेवो भव अयोध्या का, आचार्य अरण्य का, अतिथि किष्किंधा का, प्रेम देवो भव सुंदर का, मृत्यु की बातें लंका की और राष्ट्र देवो भव उत्तरकांड का, समग्र मानस। अब थोड़ा आखिर में नकारात्मक दृष्टि से देवता की परिभाषा सुने। कथा तो पूरी कर दी लेकिन वेद को भी नेति नेति कहना पड़ता है तो हम कैसे कहे कि ये सब हो गया। हमारे देश में एक पद्धति है नेति, नकारात्मक दृष्टि से प्रसंग को सिद्ध करना, नकारात्मक दृष्टि से ईश्वर को सिद्ध करना, नकारात्मक दृष्टि से सिद्धांत को प्रतिपादित कर। कई महापुरुषों की ऐसी शैली रही कि नकार से वो सिद्ध करेंगे। विनोबा जी को किसी ने पूछा कि आप ब्रह्म विद्या के मंदिर की स्थापना की बात करते हैं, ब्रह्म विद्या की बात करते हैं, तो ब्रह्म विद्या का मंदिर कैसा होना चाहिए? तो विनोबा जी को ये कहना चाहिए ना कि वहाँ ऐसा होना चाहिए, वहाँ ऐसा होना चाहिए, वहाँ ऐसा होना चाहिए, एक कमरा हो, वहाँ वेद हो, वहाँ फला हो, वहाँ संस्कृत हो, वहाँ गो, ये सब कहना चाहिए। लेकिन एक भी बात उसने इस ढंग से नहीं की, सब नकारात्मक बातें उठाई कि मेरी ब्रह्म विद्या की कल्पना ये है कि वहाँ किसी का किसी पर अनुशासन न हो और अनुशासन के बिना कोई भी न हो। ये उल्टे बड़े प्रज्ञावान आदमी थे ना, इसलिए पूरा नकारात्मक नेति नेति उठाते हैं। मेरी ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म मंदिर, ब्रह्म विद्या के मंदिर की कल्पना यही है कि जिसमें किसी पर किसी का अनुशासन न हो।
कोई किसी को दबाए बैठ जा, उठ, ए इधर आ, ऐसा कोई ना कर, नकार, किसी का अनुशासन न हो और कोई भी बिना अनुशासन न हो, स्वयं अनुशासित सो। वहां किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा न हो और वहां कोई भी मूर्ति न हो, ऐसा भी न हो। बिल्कुल उल्टे सूत्र है, सब नेति 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 नकार करके सिद्ध करते। वहां कोई स्वामी और सेवक न हो और वहां कोई भी सेवा किए बिना और पूज्य भाव के बिना कोई न हो, एक ही बात नकारात्मक से ही सतत सिद्ध कर। तो ये भी हमारे देश की पद्धति है, नकारात्मक दृष्टि से सिद्ध कर। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे नकारात्मक दृष्टि से, कि एक लड़की का ब्याह हुआ, फिर वो 8 दिन वहां रहकर अपने घर आई, पिता के घर। तो फिर कुछ दिन के बाद उनका पति उसको लेने आया, लेकिन अकेला नहीं आया, 4 उनके दोस्तों को लेकर आया अपनी पत्नी को लेने के लिए। तो दामाद आया, जमाईराज आए, तो जमाईराज की तो महिमा ही कुछ और होती है। जमाई को लोग 10वां ग्रह कहते हैं, खबर नहीं, लेकिन ये सबको लागू नहीं पड़ता। हाँ, करीब करीब होते भी होंगे 10वां ग्रह, लेकिन अच्छी यद्दा अच्छा जमाए हो तो 10वां अनुग्रह है। 9 अनुग्रह तो है मानस में, लेकिन दामाद ये 10वां अनुग्रह है, कल्याण करने वाला। ऐसा वो जमाए 4 मित्रों को लेकर आए। अब वो कन्या देहाती कन्या, तो कमरे में बैठी, तो उनकी कुछ सहेलियां जो मिलने आई, तो कमरे में बैठकर इस कन्या की सहेलियां पूछती हैं, ये 5 लोग बैठे हैं, उसमें तेरा पति कौन है? ये ठाकुर कहानी कहा करते थे। तो कन्या का कहती है किवाड़ को जरा खोल करके, कि ये जो टोपी पहनकर जो बैठा है वो मेरा पति नहीं है। अच्छा, और उनके बगल में जो पगड़ी पहनकर बैठा है ना, वो मेरा पति नहीं है। इनकी बगल में जो छैल बटाव बैठा है, जरा शौकीन है, बाल बाल बनाए हैं, थोड़ा कलर किया है, वो भी मेरा पति नहीं। और उनके बगल में जो बैठा है, जो पान चबा रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो भी मेरा पति। 4 नहीं है तो 5वां बचा, वो पति। उस लड़की को कहना नहीं पड़ा, सखियां अपने आप समझ गई कि ये 4 नहीं है तो जो शेष रहा वही। ये नकारात्मक पद्धति है ब्रह्म को सिद्ध करने की, शेष रहे वो परमात्मा, बस सब छूट जाए, नहीं नहीं नहीं, न इति न इति न इति न इति, और आखिर में जो रहे वही इति। ये नकारा कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति को इससे इस समय का एक, अब तो नहीं रहे लेकिन बहुत बड़ा चिंतक महापुरुष, इसका अनादर कैसे। उसको कोई कहे कि प्रेम की परिभाषा करो, तो ये नहीं कहते कि ये प्रेम, उसको प्रेम कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं, उसको प्रेम, ऐसा कभी नहीं कहते। वो नकारात्मक ही कहते, आसक्ति प्रेम नहीं है, ऐसा कहते, गैल छाप प्रेम नहीं है, मन के तरंग प्रेम नहीं है, केवल मन का क्रियाकलाप प्रेम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, करते करते जो बचता है वो प्रेम। ये कृष्णमूर्ति की पद्धति है। तो ये नेति वाली पद्धति का उपयोग महापुरुष लोग करते हैं, मेरी व्यासपीठ भी उसी प्रयोग से इस प्रसंग का उपसंहार करना चाहती है। देवेशो देव, ये नकारात्मक नहीं पद्धति थी। पूरे 8 दिन मैंने आपके सामने हकारात्मक दृष्टिकोण रखा है। देवे सो देव, देखे सो देव, दुखे सो देव, दमे सो देव, दिव्य हो सो देव, देवल में हो सो देव, और द्रवे सो देव। ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो सो देव। आज मुझे जाते समय आपको कहना है, ऐसा न हो वो देव।
जिसके पास स्वार्थ हो लेकिन भक्ति न हो तो वो देव नहीं है। देवे सो देव है, लेकिन अब जिसमें ये नहीं 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 वो देव नहीं है, वो देव नहीं है। वो मुझे दो तीन बातें आपको कहेंगे और मैं फिर एक बार सिद्ध कर यानी स्पष्ट करता जाऊं कि मैं ऊपर वाले देवों की चर्चा इस कथा में नहीं कर रहा था और इन देवताओं से मेरा कोई लेना मेरी बनती ही नहीं, इन लोगों से बिल्कुल नहीं बनती है। मैं उसको नहीं मानता ऐसी बात नहीं, सिर झुकाता हूं, पूजा भी कर लेते हैं, जहां हो हेलो कर लेता हूं, लेकिन मेरी बहुत बनती नहीं। इंद्र से तो बिल्कुल बनती नहीं, किसी ग्रहों से मेरी बनती नहीं। मुझे कहीं ज्योतिषी कहते हैं बापू आपको ये ग्रह का करना पड़ा, मैंने कहा मेरे पास अनुग्रह है मेरे दादा का, किसी के ग्रह ब्रह की मुझे जरूरत नहीं है। ग्रह ग्रह क्या करें, उनका कोई गौरव गर्व भी नहीं, ये सहजता है, ये स्वाभाविक है। तो ये सब होगा दूसरों के लिए, हम तो बस एक आश्रय लेकर बैठे हैं और मौज कर रहे हैं। शीशे में मैं में नशा, नशे में मैं नशे में हूं, ऐसी मस्ती है प्रभु की कथा में, यानी ब्रह्म रस की, प्रेम सुरा की ये मस्ती है। तो पृथ्वी के जो देव माँ के रूप में हमको मिली है, पिता के रूप में मिला है, कोई सदगुरु के रूप में प्राप्त हुआ, कोई ऐसा अतिथि घर में आया और घर का पूरा माहौल बदल गया। आया था एक दिन, आया था एक घंटे और खबर नहीं घर का क्या से क्या बना दिया, स्वर्ग बनाकर। ऐसा अतिथि देव, प्रेम देव, किसी से मोहब्बत की, किसी से प्यार किया, ये मिश्रा नहीं है, ये वजीफा है मेरा। कुमार बाराबंकी का शेर है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, परमात्मा प्रेम है, प्रेम परमात्मा है, ये जीसस का भी कहना था। तो प्रेम देवो भव, जो हम अनुभव करें एक दूसरों को प्रसन्न करके, एक दूसरों को दे करके, नरक बरक की बातें भूल जाओ, स्वर्ग की बातें भी भूल दो। और राबिया नाम की बगदाद की इतनी बड़ी सूफियाना स्त्री एक दिन निकली है बाजार में, एक हाथ में पानी का घड़ा और एक हाथ में जलती मशाल लिए, सबने कहा राबिया पागल हो गई, पागल हो गई, पागल हो गई। लोग एकत्रित हो गए, आज नया खेल निकाला है, कुछ ना कुछ नया ही करती है। कभी सुई खो गई थी कुटिया में और बाहर घूम रही थी, पूरे गाँव को बगदाद को हैरान कर दिया था उसने, ऐसी ये विचित्र महिला है। कभी कहती है कि मैं धर्म ग्रंथ से ये शब्द निकाल देती हूँ, आदि आदि बड़ी मुश्किल से बात करती है, बड़ी मुश्किल में डालने वाली बात करती है। तो आज निकली पानी का घड़ा लिए उसमें शाल लिए, तो सब एकत्रित हो गए, आज नया खेल निकाला, क्या बात है। बोले मैं इस पानी से स्वर्ग को डुबो देना चाहती हूँ और मशाल से नरक को जला देना चाहती हूँ। छोड़ो, यहां प्रेम करो, धरती पर जहां हो गायों से प्रेम करो, पौधों से प्रेम करो, पेड़ों से प्रेम करो, पशुओं से प्रेम करो, नदियों से प्रेम करो, आसमान से प्रेम करो, अमावस्या की रात्रि को जगमगाते सितारों से प्रेम करो, पूर्णिमा के चांद से प्रेम करो, दूज के चांद से प्रेम करो, कंकड़ कंकड़ से प्रेम करो, फिर स्वर्ग नरक की कौन चिंता करे, देखा जाएगा जब जाएंगे तब, अभी जल्दी भी क्या है। और जो मिला नहीं उसकी चिंता फिक्र क्यों करते हैं, यहां प्रेम करो, एक दूसरों से मोहब्बत से हृदय से एक दूसरे को आदर दो, प्रेम देवो भव, वो तो है ही देव। मृत्यु को इतनी भाव के साथ स्वागत करो और राष्ट्र का गौरव। लेकिन अब जो मुझे कुछ बातें कहनी है वो नकारात्मक है। स्वार्थी तो दुनिया में सब होते हैं, संसार में हम लोग रहते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा सबका स्वार्थ नहीं होता है, होता है, सीधी सी बात है, इसमें कोई लंबा बड़ा प्रवचन करके झूठी बातें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सबका स्वार्थ, तुलसी जी तो लिखते हैं सूर नर मुनि तीनों, बोलो, और फिर लिख दिया सब,
सूर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। तो सब स्वार्थी है, स्वार्थ के बिना कौन है। मैं आपके पास क्यों आया दूड़े, वैसे कोई लेना देना नहीं मेरा, लेकिन एक स्वार्थ तो सही ना कि ये मेरा गाना मेरा जीवन है, राम कथा कहना मेरा जीवन है, स्वांत सुखाय मेरा जीवन है, इसलिए कुछ तो हेतु है, और कोई हेतु नहीं सांसारिक, लेकिन पारमार्थिक भाव तो जरूर है। निजगिरा पावन करण कारण, कोई कारण तो है, हेतु तो है। राम जस तुलसी कहे, ये तुलसी ने स्वीकार किया, मैं स्वीकार कर रहा हूं। तो स्वार्थ तो होता है, लेकिन स्वार्थ के वश होकर भक्ति को भूल जाए वो देव नहीं, नकारात्मक, नेति नेति नेति। स्वार्थ क्षम्य है, ध्यान दो, लाभ प्रवचन मैं करे तो भी स्वार्थ के बिना कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होता है। मैं कितनी निस्वार्थ की बात करूं, लेकिन ये मेरी पोथी को कोई उठाए तो मैं कहूंगा ये मेरी पोथी है, इसको मत छुओ, ये मोरी पोथी जी है। कौन कौन रह सकता है। लेकिन स्वार्थ के वश होकर भक्ति को भूल जाए सो देव नहीं है। और जो भी हो, क्या हो, मैं उस निर्णय में नहीं जाऊंगा, लेकिन देव तो है ही नहीं प्रमाण। हम देवता परम अधिकारी, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रस तव भगति दिशा। मानस का प्रमाण, देवता लोग कहते हैं हम देवता अधिकारी हैं, क्या ज्ञान के अधिकारी हैं ये लोग, भक्ति के अधिकारी हैं, किस अधिकार का दावा कर रहे हैं ये लोग। उसकी व्याख्या तो लोग कर लेते हैं कि देवताओं ने कहा हम भक्ति के अधिकारी हैं, हम ज्ञान के अधिकारी नहीं। देवता साफ साफ बोल गए कि हम केवल अधिकारी हैं। कोई ये दफ्तर संभालता है, कोई ये दफ्तर संभालता है, कोई पानी का विभाग संभाल रहा है, कोई जमीन का संभाल रहा है, कोई प्रलय का संभाल रहा है, कोई पालन का संभाल रहा है, कोई सर्जन का, ये सब अधिकारी हैं हम। हो सकता था इसके माध्यम से हम उनको पाले, लेकिन स्वार्थ के कारण हम भक्ति को भूल गए। तो स्वार्थ हो इतना बुरा नहीं है, लेकिन स्वार्थ की अंधता में भक्ति को भूल जाना देवत्व नहीं है। बाकी का जो हो वो देवत्व नहीं। भक्ति न भूले, बस देवता भूल गए, अधिकारी हो गए। इंद्र भगवान को कहता है, महाराज मुझे बहुत अभिमान रहा कि मेरे समान कोई नहीं, मेरे समान इस विश्व में कोई है ही नहीं। तो नकारात्मक रूप से देखिए देवता की परिभाषा, कि जिसमें बहुत अहंकार है, अभिमान है, अभिमान है, वो देव नहीं है। और जो हो लेकिन देव तो है ही नहीं। अहंकार हो सो देव नहीं, सीधी बात। किसी को ये अहंकार हो कि हम पंडित हैं, किसी को ये अहंकार हो कि हम बड़े वक्ता हैं, किसी को ये है कि हम बड़े कथावाचक हैं, किसी को बड़े धनी, जिसमें अहंकार है वो देव नहीं है, बस। बाकी जो हो देव तो नहीं। एक धर्म सभा थी, उसमें एक धर्म उपदेश खड़ा खड़ा उपदेश दे रहा था, तो उसने देखा कि कई लोग उसमें, एक आदमी सोया हुआ देखा उसने, तो उसकी दृष्टि वहीं रहती थी कि सोया क्यों। तो उसको एकदम गुस्सा आ गया धर्मगुरु को, और बड़े होशियार तो होते हैं,
तो उसने तुरंत एक शब्द प्रयोग किया कि जिसको स्वर्ग में जाना वो खड़े हो जाए। तो वो तो बेचारा सोया था तो खड़ा नहीं हुआ, बाकी सब तो खड़े हो गए। और स्वर्ग खड़े होने से जागृति से मिलेगा इससे ज़्यादा आनंद कि वो सोया उसको नहीं मिलेगा, उसकी खुशी इन लोगों को ज़्यादा थी। मूर्ता हद होती है ना लोग कि हम जाग रहे हैं खड़े हो गए और महाराज जी के कहने पर स्वर्ग मिलेगा, इसकी खुशी से ज़्यादा खुशी कि ये बैठा रहा नींद कर रहा है उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इसकी खुशी ज़्यादा। तो वो तो सोया रहा और धर्मोपदेश खड़ा खड़ा उपदेश दे रहा था। फिर उसने कहा कि अब जो सोया रहेगा उसको नरक मिलेगा, अब जो जिसको नरक चाहिए वो खड़े हो जाए, स्वर्ग में पहले सबको, अब जिसको नरक चाहिए वो खड़े हो जाए। धर्मगुरु को पता ये की है, अब वो खड़े हो जाए। ये बात जब धर्मगुरु ने कही तब वो जाग गया। उसने ये नहीं कि पहले क्या हुआ, तो एकदम वो खड़ा हो गया। तो सब तालियां बजाने लगे कि ये नरक के लिए हा कह रहा है कि नरक में जाना हो खड़े हो जाए। तो उसने पूछा कि भैया माफ करिएगा मैं सोया था, जरा बताइए किसकी किस बारे में वोटिंग हो रहा है। बोले पहले हमने किया कि स्वर्ग जाना है, जागते हो खड़े हो जाए तो सब खड़े, तुम सोया रहा। अब फिर हमने पूछा कि नरक जो जाना चाहे वो खड़े हो जाए तो तुम खड़ा हो गए, तुमको क्योंकि इस पंक्ति पर जो खड़ा हो जाए वो नरक का अधिकारी है। तो उस आदमी ने कहा कि आपके बारे में मैं क्या सोचूं, वो खड़े खड़े बोल रहा था। जिसको अपने अकारण अपने पांडित्य का अहंकार है वो देव नहीं है, नरकगामीन हो जाएगा, वो देव नहीं है। दूसरों के प्रति छल करे, दूसरों को छले, कपट करे, छल कपट करे, किसी पर भरोसा न करे, वो देव नहीं है। देव वो है जो निच्छल है। छल मलीन कतहु न प्रतीति, ये देवताओं की काक समान पाक रिपु रीति। जिसकी पद्धति जीवन की छली है वो देव नहीं है। संसार में अपना काम निकाल लेता होगा, सयाना कहलाता होगा, चतुर कह राजनीतिज्ञ कहलाता होगा, जो कहलाता हो, लेकिन देव नहीं। उसको नेति की दृष्टि से माना जाए तो देव नहीं। जो बार बार रूप बदलता है वो देवता का गुण माना गया, लेकिन धरा की बातें कर रहे हैं। जो बार बार रूप बदलता है वो देव नहीं है, एक रूप में हो, आर पार पारदर्शिता जिसके जीवन की, कभी कुछ दिखाई दे कभी कुछ दिखाई दे, इधर वाह वाह करे पीछे जाकर निंदा करे, इधर प्रणाम करे पीछे उसका पैर तोड़ने की चेष्टा करे, वो दूसरों जो हो देव नहीं है। ये छोटी सी जिंदगी मेरी समझ में नहीं आती कि लोग क्यों ऐसा करते हैं। ऐसा आदमी देव नहीं है। क्रोध करे सो देव नहीं है, ध्यान देना। दानव है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, मेरी जीभ को मैं नहीं वो करूंगा, खाली आप समझ लीजिएगा। वो दानव है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, वो दानव है ऐसा तो मैं कभी नहीं कहूंगा, वो दानव है ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन वो देव तो है ही नहीं। क्रोध करे सो देव नहीं। अब इसमें तो हम सब आ जाएंगे कि देव नहीं, क्रोध कौन नहीं करता हा? ये तो समाज में होते हैं तो अरे बड़े साधु पुरुष लगते हैं, घर में तो क्रोध मारी ना के वक्त क्रोध है। समाज में तो क्रोध अपने से सीनियर बैठे हैं इसलिए किसके सामने क्रोध करे, घर में सब जूनियर होते हैं बीबी बच्चे तो उसके सामने मारूं ये करूं चुप, लेकिन बाहर करो तो देखा है। मेरी समझ में नहीं आती कि जो बीबी बच्चों को फटकारते हैं, अरे मर्द हो तो क्रोध को फटकारो, काम को फटकारो, लोभ को फटकारो, युद्ध करना हो तो शेरों से लड़ो, श्रृगालों से क्या लड़ते हो। बीबी को दो थप्पड़ मार दी, बच्चों को थप्पड़ मार दिया, उसको मारने में कोई महावीर बनो, विकारों को मारे। क्रोध करे सो देव नहीं है। चलो मैं थोड़ी छूट दे दूं, क्रोध इतना खराब नहीं है,
छूट दूँ इसका मतलब कि मैं उसको मंडित नहीं कर रहा हूँ, कि उसको स्थापित नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन इतना खराब नहीं। क्रोध क्या है? एक आवेग है, क्षणों के लिए आ जाता है, लेकिन क्रोध के भीतर जो दो वस्तु पड़ी उससे बचे, द्वेष और अमर्ष। वो तो कभी कभी सालों का बैठा है, एक एक जन्म का बैठा। क्रोध तो एक एक फूट जाता है, एक आवेग। 24 घंटों आप क्रोध कर सकते हैं, व्रत लो कि 24 घंटों, किसी की ताकत नहीं दुनिया में 24 घंटों आदमी क्रोध कर सके। 24 घंटे शांत रहा जाता है, क्रोध नहीं किया जाता, ये संभव नहीं, किसी के लिए संभव। 24 घंटों तुम क्रोध करो, प्रयोग करके देखो, फिर मुझे खत लिखना, मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसी को जवाब नहीं देता हूं, पढ़ लूंगा। 24 घंटों कोई क्रोध में नहीं जी सकता, शांत रहा जा सकता है, क्रोध में नहीं रहा जा सकता। आवेग है, क्रोध सुवर है, सामने से लड़ लेता है, लेकिन द्वेष और अमर्ष बड़ा खतरनाक दुश्मन है, जो पीछे से छुरा भोंकता है। तो क्रोध की इतनी महिमा नहीं है, ध्यान देना। क्रोध पीत है, पीत अग्नि है, आयुर्वेद में पीत अग्नि है, जलन ज्वलन शक्ति है क्रोध, और पाचक तत्व के लिए ज्वलन चाहिए, वैश्वानर अग्नि चाहिए, तभी पचता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, पीत का मतलब है ज्वलन, ज्वलन रंग भी पीला है, पीत पीत मानी पीला रंग, अग्नि का रंग पीला है, ये अग्नि तत्व है आयुर्वेद में, सीधी सी बात है। अमर्ष और द्वेष जिसमें है वो देव नहीं है, अमर्ष और द्वेष के कारण जिसमें क्रोध हो देव नहीं। अब कभी कभी गुरु क्रोध करता है, कभी कभी बाप बेटे पर क्रोध करता है, तो उसको शास्त्रकारों ने क्रोध नहीं कहा है, उसको तेज कहा है। व्यक्ति में तेज होना चाहिए, क्रोध नहीं। जब गुरु कभी अपनी आभा से किसी को नियंत्रित करे तो वो क्रोध नहीं है, अपनी मुख की चेष्टाओं से किसी को नियंत्रण, अपनी आंखों से किसी को नियंत्रण, उसको क्रोध मत समझना, उसको उनका स्वतेज समझना। तेज तेज क्षम्य है, महाभारत का भाव कह रहा हूं, ये मेरा भाव नहीं है, तेज होना चाहिए, क्रोध नहीं। सूरज में तेज है, क्रोध नहीं है, सूर्य क्रोधी कतई नहीं है। ये क्रोधी हो जाए ना तो एक क्षण में पूरा संसार समाप्त हो जाए, क्रोधी नहीं है, तेजस्वी है। इसलिए तेज हो वो देव, क्रोध हो वो देव नहीं, द्वेष और अमर्ष हो वो देव नहीं। अब प्रसंग आया तो ये भी सुन समझ लो कि भाई क्रोध आ जाता है तो कैसे मिटे, क्या करे। एक काम करो, रोज अपने जेब में 2 चॉकलेट रखो, खांड रखो, खड़ी 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 खांड, अथवा तो कोई चॉकलेट या कुछ पेपरमेंट या विक्स आदि की गोलियां रोज रखो, जिसको ये तकलीफ हो, जब आपको लगे कि क्रोध आ रहा है उसी समय एक गोली मुख में डाल दो, प्रयोग करके देखना, ऐसे मत जाना। और जिसके ऊपर क्रोध आए उसको कहना कि मैं तेरे पर क्रोध होने जा रहा हूं, खबरदार मैं हूं, अभी अभी तुझे क्रोध, लेकिन ये चॉकलेट खा ले, उसको भी दे दो, तुम भी खाओ, और फिर देखो तुम क्रोध कर सकते हो कि नहीं। करीब करीब असंभव, हाँ कोई क्रोध में PhD कर चुका है वो शायद कर भी पाए, लेकिन आप प्रयोग करके देखिएगा मेरे भाई बहन, खुद का मुख मीठा कर लो और दूसरे के मुख में खांड दे दो, क्रोध की मात्रा शांत हो जाएगी। अथवा तो शीतल पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, क्रोध फिर करो, जरूर करो, जाओ, लेकिन पहले पानी पी लो। और जिस पर क्रोध करना है, पत्नी पर क्रोध करना है, तो पानी खुद पी लो, और कहो कि तू भी ठंडा पानी पी लो, पी ले, चंद्रभाड़ा तू पी ले, संभव नहीं। तीसरा प्रयोग करो, जब क्रोध आए यदि आप मुख में खांड न डाल पाए, पानी न पी सके तो दर्पण के सामने एक क्षण खड़े रह जाओ, जब क्रोध आए तब तो अपना चेहरा दर्पण में देखो, क्रोध की मात्रा, क्योंकि आप अपने को असुर पाओगे, देव नहीं पाओगे,
स्वरूप बदला हुआ पाओगे, क्रोध की मात्रा कम होगी, या तो थोड़ा मौन रख लो जो हो। कुल मिलाकर बात इतनी है कि क्रोध अमर्ष और द्वेष से करता है, वो देव नहीं है, नकारात्मक है। दुर्भावना से श्राप देता है, वो देव नहीं है। दुर्भावना से श्राप दे सो देव नहीं है। भोगों के लिए अपनी दैहिक कामनाओं को संतुष्ट करने के लिए ऋषियों के आश्रम तक छल करके जाए, वो देव नहीं है। इंद्र गौतम के आश्रम तक पहुंचा है अपनी दैहिक वासना को शांत करने के लिए, वो देव नहीं है। तो नकारात्मक दृष्टि से ये देव नहीं है, बाकी जो हो हो। तो ज्यादा न कहकर आपके सामने मानस देवो भव सूत्रात्मक चर्चा मैंने व्यासपीठ ने रखी, आप उस पर बहुत गंभीरता से सोचिएगा। आपको आत्मा तक बात पहुंचे, आपके निज उजाले में ये सब ठीक लगी हो तो थोड़ा उसका प्रयोग भी करिए। पंखी भी आकाश में उड़ते हैं और पत्ते भी उड़ते हैं। पत्ते उड़ते हैं आकाश में, लेकिन पत्ते तभी उड़ते हैं जब हवा आती है, एक तूफान आता है तो पत्ते उड़ने लगते। पंखी को उड़ने के लिए तूफान की जरूरत नहीं है, वो तूफान में उड़ भी सकते हैं, तूफान आए न भी उड़े, क्योंकि उनको पंख है। लेकिन तूफान के कारण जो उड़ते हैं वो तूफान चले जाने के बाद उड़ नहीं पाएंगे। 9 दिन का एक तूफान आया धुले में राम कथा के द्वारा। इस तूफान में यदि आपको पंख है तो तूफान चला जाएगा तो भी आप उड़ते रहोगे, लेकिन आप केवल पत्ते की तरह हैं तो तूफान जाने के बाद आप नहीं उड़ पाओगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे भाई बहन आप पत्ते की तरह ना हो, पंखियों की तरह सत्संग जाने के बाद भी आप उड़ पाए, आपकी पंख फैले। गरुड़ गयु वैकुंठ तप, गरुड़ की पंख, हर्षित खगपति गरुड़ को, ये सब रामायण के आधार पर मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। कथा पूरी हुई तो गरुड़ को क्या, हर्षित खगपति पंख भुलाए, पंख वाला श्रुता पंख वाला बन जाए। इतनी बड़ी शक्ति काम में लगी, कितने सेवक गण भाई लोग स्वयं सेवक यजमान दैनिक यजमान और कितने लोग इस काम में लगे, कितना अर्थ खर्च हुआ, शक्ति खर्च हुई, ये सब एक तूफान की तरह आया वो चला जाए और पत्ते ऐसे के ऐसे न रह जाएं। इसलिए मेरे भाई बहन मैं चाहूँगा कि हम सबको पंख लगे, पंख की आवश्यकता है। और जब पंख लग जाती है सत्संग से तब साधक किसी भी स्थिति में जब चाहे उड़ान भर सकता है। मैं कामना करूं कि कुछ ऐसा हो, और मैं कहते जाऊं कि जो सुना है आपने वही याद रखना, किसने सुनाया उसको भूल जाओ तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि उसको याद रखो। गांधी जी ने एक पत्र लिखा था अफ्रीका से कि मेरे नाम को मिटा दो, मेरे काम को बनाए रखो, इतना ही लिखा था विनोबा जी के ऊपर कि विनोबा मेरे नाम को मिटा दो। ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि नाम रूप मिट जाए, केवल परमात्मा के रहे, बाकी नाम रूप को मेरे उपदेश का अस्तित्व बना रहे, मेरी हस्ती चली जा रही। कभी कभी हम केवल नाम में रह जाते हैं, वाह वाह में रह जाते हैं, औपचारिकता में रह जाते हैं, और इस औपचारिकताओं के पर्दे में हम काम को छिपा देते हैं। प्रभु करे मेरे सभी भाई बहन धुड़िया के, महाराष्ट्र के, पूरे राष्ट्र के और पूरे विश्व के, पूरा विश्व अपना है, सभी को पंख लगे। नाम एक प्रभु का है, नाम अनंत रहत है,
जग में दूजा तत्वन कोई, कबीर साहब का सूत्र है। नाम अनंत रहत है जग में, नाम अनंत रहत है जग में, दूजा तत्व न कोई, दूजा तत्व न कोई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भजत अनंत सोई साधो, साधो मुर्दो कथा के। युवक भाई बहन जो श्रोता बनकर बैठे, बुजुर्गों को मेरा नमन है, आप उनको मार्गदर्शन दें आपके अनुभवों का, अच्छे अनुभवों का। लेकिन युवान भाई बहनों को जरूर चाहूँगा कि कथा सुनने के बाद आप पत्ते न बने रहे, पंखी बन जाए, आपको पंख लगे। इतना बड़ा फोर्स आता है भगवान की कथा से, कितनी ऊर्जा काम में लगती है, वो ऐसे ही न चला जाए। वैसे तो कोई भी कार्य बिना असर नहीं रहता, भगवत चर्चा कैसे बेअसर रह सकती, अस्तित्व में तो नोंद हो ही जाती है, अस्तित्व में तो उसकी लिखावट हो जाती है, अमर हो जाती है। लेकिन हम इस अवसर को क्यों चुके। और क्या कहूँ, आप सब ने बड़ी सेवा की है, कई संस्थाओं ने मुझे निमंत्रित किया, मैं नहीं जा पाया क्योंकि समय का भी अभाव है, एक जगह जाऊं तो दूसरे को बुरा लगेगा, बुरे जगह। किसी ने मुझे कल लिखा था कि बापू ऐसा तो नहीं आप कहीं कहीं तो जाते हैं, झोंपड़े में गए हमारे यहाँ क्यों। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सहज जाता हूँ, और कहीं नहीं जाता वहाँ कोई मेरा दूसरा आशय नहीं, नहीं जाता तो भी सहज नहीं जाता, जाता हूँ तो सहज जाता हूँ, नहीं जाता हूँ तो भी सहज नहीं। किसी को मिलता हूँ तो सहज मिलता हूँ, और किसी को नहीं मिलता तो उसके पीछे मेरी कोई उपेक्षा वृत्ति, वो भी सहज है। मैं मिलूँ वो भी सहज है, किसी को ना मिलूँ मेरे, आप जरूर करेंगे कि बापू उनको मिले हमको नहीं मिले, हम पर रोष होगा, नहीं नहीं ये आपके आपके अंदर जो प्रोजेक्टर चल रहा है उसका प्रतिफलन है, इसमें मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं जिसको मिल रहा हूँ वो भी मेरे सहज मिलना है, मैं कभी कहूँ नहीं मिलूंगा जाओ तो उसके पीछे मैं इन लोगों को बता दूं कि आप जाओ जाओ, ऐसा मैं न मिलना भी सहज है, मिलना भी सहज है, धुड़े में मेरा आना भी सहज है, 12 बजे जाना भी सहज है, कोई कारण नहीं है, न कभी कोई कारण होगा। और कारण से जो संबंध बनते हैं वो कारण समाप्ति के बाद संबंध विच्छेद हो जाते हैं, हेतु के बिना जो हेतु होता है वो शाश्वत होता है। आपके साथ मेरा यही संबंध रहे, मैं हर जगह सहज जाता हूँ, बोलता हूँ सहज, न बोलूँ तो भी सहज, सहज सहज चल रहा हूँ। इस कथा में मैं लोगों को कम मिला, पहले 2-3 दिन तो मैं मिलता नहीं था, तो इसके पीछे मेरा कोई कि आज मैं कुछ नया कर रहा हूँ कि नहीं मिलना है, रोष है, यानी कुछ बस मूड नहीं कि कुछ दूसरे मूड, नहीं नहीं कोई मूड नहीं है, एक ही मूड है, सहजता साधो सहज समाधि भली। और उसी तरह मैं बताऊँ तो आई थी राम कथा यहाँ, उसी मजे में राम कथा विराम हो रही है, प्रभु करें आप सबको पंख लगे। आप सब ने, मैं दिल से कह रहा हूँ, बड़ी सेवा की है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबका आदर और श्रद्धा व्यासपीठ के प्रति रहा है, उससे मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूं। आपके इस पूरे आयोजन से मुझे आनंद है, प्रसन्नता है कि आपने बड़े अच्छे, कभी कभी क्या है कि मैं कथा देता हूं तो भी सहज देता हूं, और नहीं देता तो भी सहज है, कोई हेतु तो है ही नहीं, मेरा कान खोल के सुन लो।
लोक कथा नहीं मिलते तो ऐसी ऐसी बातें लगा देते। मुझे हमारे एक युवक भी कल कह रहा था कि बापू हमने उसको सामने मुझे लड़ना पड़ा, एकदम कहना खबरदार बोले तो, कोई कह रहा था कि ऐसे कथा नहीं मिलेंगी, बापू को पहले जाकर इतने रुपये दे आओ वरना 12 साल कैसे लग जाते, पहले भोग लगाओ। तो कोई कहते होंगे, वो भी सहज कहता होगा क्योंकि जैसा जिसका कोई गालियां देने तो एक सूत्र याद रखना, कोई तुम्हें गालियां दे तो वो तुम्हें गालियां नहीं दे रहा है, वो अपना परिचय दे रहा है कि देखो ये हमारा परिचय, ये हमारा खानदान, ये हमारी सोच, ये हमारी विचारधारा, ये हमारी कुल परंपरा, ये अपना बेचारा अपना कार्ड दे रहा है कि ये हमारा टेलीफोन नंबर, यहाँ गालियां होंगी वहां हम मिलेंगे, घुमाना डायल करना, ये हमारा नंबर है। तो मुझे कल भाई कह रहा था ऐसी गैर समझ गलत फहमियां तो लोग बहुत करते हैं, जानकर करते हैं, अनजाने में करते हैं की जाती है, करे करे करे, मुझे क्या लेना देना है, मुझे है काम ईश्वर से, ये जगत रूठ है तो रूठन दे, मैं और मेरी राम कथा मौज कर रहे हैं। इसलिए सहज आया सहज जा रहा हूं, आप भी सहज उड़ान भरिए, वहां सहज रहिए। इतना आदर, मैं कोई अहंकार तो क्या करे, सहजता की बात कर रहा हूँ, वहाँ अहंकार का तो वो ही नहीं होना चाहिए वरना सहजता दूषित तो। लेकिन मैं राजी हूँ कि मेरी व्यासपीठ को जितना आदर और श्रद्धा लोगों से प्राप्त हो रहा है, प्रेम प्राप्त, छोटे छोटे बच्चे मेरे सूत्र क्या समझेंगे, लेकिन फिर भी बैठे रहते नौ नौ दिन देखते रहते, बस उसी में से कभी कुंपले फूटेगी, फिर नई कुंपले फूटेंगी और कुछ काम बनेगा। तो मेरे भाई बहन, पंख फूटे और राष्ट्र में विश्व में बहुत समस्याएं हैं, इस समस्याओं के समाधान में हम भी, हमारा सत्संग भी कुछ सहयोग करे, ऐसा आप सबको करना है। तो मैं बहुत राजी हूँ आप सबके आयोजन से, श्रद्धा से। पहले दिन जरूर मैं जरा निवास के बारे में जरा वो हुआ, लेकिन अब तो आप भी कहेंगे कि वहाँ रहा वो ही ठीक रहा, क्योंकि ऐसा सब सहज है बाप, और कोई प्रयास नहीं, कोई आयास नहीं, और सहजता के बलिदान पर मैं कुछ भी करना नहीं चाहता, केवल बचे तो सहजता बचे, क्योंकि यही रामचरितमानस का सूत्र है, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाए। आपने बहुत बहुत एकाग्रता से कथा सुनी, बहुत ध्यान दिया कथा पर, बहुत गहन सूत्रात्मक कभी कभी चर्चा हो जाती है, फिर भी आप उसी समय आप थोड़ी नींद ले लेते हैं, ये भी कथा का सहयोग है कि चलो भाई हमारे समझ में नहीं उतर रहा है तो हम डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, 2 मिनट ऐसा कर रहे, तो इसलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप, मैं कभी कभी विनोद में कहता हूँ कि श्रोता कितने भाग्यशाली है, हमारे तो नसीब में आया ही नहीं, तुम्हारा भाग्य कितना आप सोचो, हमको यहाँ 3-3.5 घंटे बैठना है तो बस एक ही आसन में बैठना पड़ता, आप कभी पैर इधर करो पैर उधर करो, एक पग ऊंचा करो, कभी इधर बैठो, कभी ये करो, आपको छूट है, कितने फायदे हैं। मुझे तो बोलने बैठने के बाद यहां से उठ नहीं पाऊंगा, आपको ठीक ना लगे तो एक चक्कर बार काटाओ, वो बिना बाड़ के खेत की खाओ, समझ गए, बिना बाड़ की खेत जो हाँ वो खाओ, अब बीच में पानी पी लो, ये भी पीना चाहिए, मैं मना नहीं करना, जरूर पीना चाहिए, कोई ऐसी शरीर को तो बहुत प्रसन्न रखो ताकि ज्यादा समय सत्संग कर पाओ, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, पीना चाहिए, ज्यादा तृषा लगे तो क्यों ऐसे पीना चाहिए, इसमें क्या बात, मुझे आदत हो गई है, अभ्यास हो गया, मैं कितने ही दूरी पर मेरा निवास होता है ना कथा के बाद, फिर भी एक आदत बन गई सालों की कि मैं कथा के बाद 1 घंटे का ड्राइव हो तो भी मेरे निवास पर जाकर ही पानी पीऊंगा, एक आदत होगी, 5 मिनट का ड्राइव होगा
तो भी यही स्थिति, और एक घंटे का ड्राइव, विदेशों में कथा होती तो पौन घंटे का ड्राइव होता है कथा के स्थान जाने में, लेकिन मुझे पानी की एक आदत हो गई कि मैं वहां जाऊं प्रणाम करूं फिर पानी, एक सहज, इसमें कोई आयास प्रयास नहीं, इस सहज बीच में मैं गाड़ी में पीऊं तो मुझे प्रयास लगता है कि मैं कुछ बिलक कर रहा हूं, मैं कुछ धर्मांतरण कर रहा हूं, एक अभ्यास का। तो आप तो पानी पी सकते हैं, मैं तो पानी भी नहीं पी सकता हा? और सबसे बड़ा फायदा आप सो भी सकते हैं। मैं कर सकता हूं ये कि भाई 5 मिनट रे भाई हो सकता है मेरे से, कितने फायदे। इसलिए मेरे तुलसी जी कहते हैं श्रोता का नाम पहला है। हम तो चौकी पर बैठे, हमारे महाराज जी कह रहे थे बनारस वाले कि चौकी पर जो बैठे, ये चौकी है ना पाट, चौकी पर बैठे वो चौकीदार, तो हम क्या हुए बोलो, चिंता मत करो, संकोच मत करो, हम चौकी पर बैठे तो हम क्या हुए, चौकीदार ना, किसके, अरे भगवान के चौकीदार तो बहुत, मैं आपका चौकीदार हूं, मैं फाटक वाला आदमी हूं कि ट्रैक पर से आपकी ट्रेन कहीं उतर न जाए, इसलिए जरूरत पड़ने पर फाटक खोलता हूं, जरूरत पड़ने पर फाटक बंद। किसी ने मुझे कहा था मैं नाटक वाला आदमी नहीं हूं, मैं फाटक वाला हूं, न मैं त्राटक वाला आदमी हूं, न नाटक वाला आदमी हूं, मैं केवल समय पर गेट खोलता हूं, समय पर गेट बंद कर रहा हूं, क्योंकि मैं भारतीय सभ्यता की सेवा कर रहा हूं, व्यासपीठ कर रही है। तो हम तो चौकीदार हैं क्योंकि चौकी पर बैठे, और आप जमीन पर बैठे हैं इसलिए आप कौन है, हाँ जमींदार। तो चौकीदार बड़ा कि जमींदार बड़ा, आप सब तो जमींदार है हाँ, लेकिन बहुत जमींदार एकत्रित होते हैं वहां झगड़ा ही होता है, एक चौकीदार होता है कोई झगड़ा बगड़ा झंझट भी नहीं, कोई अकेले जागते रहो, क्योंकि द्वैत आया, घर्षण पैदा हुआ। मेरे भाई बहन आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, प्रभु आपको बड़े अच्छे चंगे रखें। 9 दिन की कथा के लिए पुनः एक बार मैं प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं, और फिर भी हम सब इंसान हैं, मानव हैं, कोई त्रुटि रह गई हो यज्ञ में तो आइए एक मंत्र का 3 बार उच्चारण करें ताकि इस त्रुटि से मुक्ति मिल जाए। मैं पहले बोलूं फिर आप सब बोले 3 बार इस मंत्र का उच्चारण, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। अब ये पूरा सत्कर्म त्रुटि मुक्त हो, और ये पूरा जो सत्कर्म का पुण्य फल है, आओ हम सब मिलकर के, एक साथ मिलकर के ये जो सत्कर्म का फल है भगवान विठोबा के चरणों में समर्पित कर दें, प्रभु के चरणों में उस फल को हम समर्पित कर दें, और कथा को अच्युतम करें और हनुमान जी को विदाई दें। इससे पूर्व मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं ओ समदीनन दिनहित तुम समान तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गम श्रीमद राम प्रदाज भक्ति मनीषम प
प्राप्ते सुवान्यं मर्त्वा तत्र रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषावर्तमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बूरं श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसारपतङ्गघोरकिरणं दहयन्ति नो तो ये पूरा जो कथा का फल है वो श्री ठाकुर जी के चरणों में हम समर्पित कर दें और हनुमान जी को विदा दें इससे पूर्व। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरि कथा विसर्जन हो तुहे सुनहु वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सर्व संत। तो परमात्मा की ये कथा का आपका सुना यहाँ से गाया गया सबने जो सेवा विधि प्रकार की सब का पुण्य फल प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। रचि महेश निज मानस राखा पायुष समय सिवासन ताते रामचरित मानस बर धरे उनाम ही हे हर्ष मानस देवो भव। इस कथा का शीर्षक रहेगा वो प्रभु के चरणों में समर्पित करो। आखिर में एक दो मिनट भगवान नाम का कीर्तन करेंगे फिर भुसुंडी रामायण का पाठ होगा उसके बाद आरती और उसके बाद ये नव दिवसीय कथा को विराम दिया जाएगा। तो आइए कुछ क्षणों के लिए हम हरि नाम संकीर्तन करें। उससे पूर्व इस कथा में जो प्रधान आचार्य श्री पूजा वगैरह में नियुक्त थे इतने पाठकगण रामायण का पाठ कर रहे थे बीच बीच में आए कोई न कोई अतिथि पूजनीय महापुरुष और सभी साधु संत विप्र भक्तगण इन सबको मेरा प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को भी मेरा प्रणाम। और अब तो चैत्र नवरात्र लगेंगे मैं प्रार्थना जरूर करूं दबाव नहीं लेकिन प्रार्थना जरूर करूं कि ये तो अब चैत्र नवरात्रि रामनवमी के दिन आएगा तो प्रार्थना करके जाऊं कि हो सके तो अपने घर घर में चैत्र नवरात्रि के नौ दिन रामचरितमानस का पाठ किया जाए। यदि आप कर सके तो मेरा कोई दबाव नहीं है कर सके तो ज़रूर करिए। विश्व शांति के लिए राष्ट्र की समस्याओं का समाधान के लिए अपने अपने घर में बैठ चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में रामचरितमानस का पाठ अपने ढंग से जैसे आप कर सको जरूर करिएगा। न कर सको तो भी कोई चिंता नहीं करो तो बहुत धन्यवाद। और एडवांस में आप सब के लिए मेरे से तो मैं महुआ में कथा करने वाला हूँ उन दिनों में लेकिन वहाँ ना आ पाए तो और सभी भाई बहनों को एडवांस में राम नवमी की और हनुमान जयंती की बधाई हो। नई साल मुबारक हो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से जो नूतन वर्ष शुरू हो जाता है वो भी आप सबको मुबारक हो।
और अब आइए, सबको प्रणाम करता हुआ मैं एक दो मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें भाव से। और अभी कोई खड़े ना हो अपनी अपनी जगह पर ही, क्योंकि खड़े होने से शायद वातावरण बिगड़ जाए। आपके भाव को जरा काबू में रख करके भीतर नाचिएगा, अंदर से नृत्य करते करते एक दो मिनट भगवान नाम। राजा राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम हरि बोल। राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राजा राम 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 सीताराम राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा जो भजे
हरि को सदा जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को परम पद पाएगा परम पद पाएगा वही परम पद पाएगा वही परम इसलिए हरि गुण गा नौ दिवसीय राम कथा का सत्संग उसको यहाँ विराम दिया जा रहा है। भाव और श्रद्धा से बोलिए बोलिए राम चंद्र भगवान की जय श्री बाल कृष्ण भगवान की जय सदगुरु भगवान नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तात कृतार्थ भय भूमि तव दर्शन खगराज आय सुदेव सुकरु अब प्रभु आयु कृतार्थ रूप तुम कामिक वचन देखे स्तुति सादर निज मुख पिंड मन सुनहु तात जय कारण आयु सो सब भय दर्स तब पाय देखि परम पावन तब आश्रम संशय नाना अब श्री राम कथारति पावन सदा सुखद दुख पुंजन सादर तात सुनाहु मोहि बार बार विनवहु प्रभु को सुनत गरुड़ के गिरामी सरस प्रेम सुखद सुखमि भयहु दासु मन परम उषा लागहि रघुपति गुण गा प्रथम नियति अनुराग भवानि राम चरित सर कह सिंह कर मोह पार कैसे भगवन राम अवतार प्रभु अवतार कथा पुनि गाए
सब सुस चरित कर सिमरा बाल चरित कही निविध विधि मन मम परम ऋषिया गवन कहे सिपुनि श्री रघुवीर राम अभिषेक प्रसंग पुण्य प्रवचन राज रस गंगा दुर्वासिन कर विरह विषादा कैसे राम लक्ष्मण संवाद विपिन गवन केवट अनुराग सुर सरित निवास प्रयाग बालमीक प्रभु मिलन बखान चित्रकूट जिमि बस भगवान सचिवा गवन नगर नृपमर भरता गवन प्रेम बहुमन परिमुख क्रिया संग पुरवास भरत गए जम प्रभु सुखरास मुनि रघुपति बहु विधि समुदाय लय पाद का अवध पुरवास भरत रानी सुर पशु सुत कर प्रभु अरवर त्रिभेद कुमर करि विराद बद देहि विधि देह तजे सर्वं बरनि सुते क्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सतसंग कई दंडक बन पावन तार गीत भय पुनि कही गाय पुनि प्रभु पंचवटी बने सकल मुनि के मन उपदेश अनुपा जिमि की कुरूपा कर दूषण बद बहुरी पखाना जिमि सब नरम दशा कंधर मारी चुगत करी देवी वंशो सब ते करी मुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विरह कछु वरना मुनि प्रभु गीत क्रिया जिनके मधिक बंद सबरी गति दिन बहुरी विरह वरनत रघुवीरा देवी गए सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसन्न सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर कपि तिलक कर प्रभु कृतज्ञ शैल प्रवर्षन वास वर्णन वर्षा सरद अरु राम रोष कपिदास कपिपति कीस पठाय सीता को जस कल विसिधाय विवर प्रवेश किन्न जय भाति कपिल बहोरी मिला संपाय सब कथा समीर कुमार नागत भयो पयो रिय पार लंका कपि प्रवेश बन उजारी रावण हित बोधि बहुर पयो आए कपि सब जहाँ रघुराई वैदेही की कुशल सुनाए सेन समेत जथा रघुवीरा उतरे जाय बारी विधि विभीषण देहि विधियाय सागर निग्रह कथा सुना सेतु बांध कपि सेन जिमि उतरे सागर पार गयो वशिष्ठि वीर बर देहि विधि बाल कुमार निश्चर की चल रानि वर्ण सि विविध प्रकार कुंभकरण घन नाद कर बल पौरुष संघार चरण कर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर मकान रावण बध मंदोदर शोकाराज विभीषण देव सो सीता रघुपति मिलन बहो सुरती अस्तुति कर जो पुनि पुष्पक जड़ कपिन समेता अवर चले प्रभु कृपा निके देवी राम नगर निज आए वायस विसर चरित सब गाए कैसी बहोरी राम अभिषेका पुर बरनत रूप नीतिये कथा समस्त सुंद बतारी जो तुम सन कही भवान तुम सब राम कथा खगना कहत बचन मन परम उछा जय मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित भय राम पद देह तब प्रसाद भाई जी महाराज की जय आरती श्री रामायण जी कीर्ति करी हरि कश्यपि आरती श्री रामायण जी
चंद्र भगवान की जय। अब आरती की थाली लेकर के पीछे की ओर आ जाइए। सभी यजमान परिवार, सभी भक्तजन पीछे की ओर से धीरे धीरे नीचे प्रस्थान करें। एक दो जरूरी सूचना है, कृपया ध्यान रखें, शांति रखें। पूज्य बापू की राम कथा यहाँ के बाद चैत्र नवरात्र महुआ नगर में है, वो गुजराती में कथा है, और उसके बाद शिमला कथा निश्चिंत ही है। इसलिए सभी भाई बहन, जो पंडाल में कहीं ऐसी हवा चल रही थी, लेकिन शिमला की कथा निश्चिंत है। सभी भाई बहन सादर निमंत्रित है, शिमला कथा निश्चिंत है और सभी को मालूम है। और ये जो संत महात्मा, साधु महात्मा लोग पूज्य बापू की कथा में सभी जगह पर रहते हैं, उन्हें अनुरोध है, आप अपने पंडाल में अपने आसन पर बैठ जाइए। कमिटी की ओर से आपको वहाँ विदा मिलेगी। तो सभी संत महात्मा साधु लोग जो है वो पंडाल में जहाँ अपने आसन पर बैठे हैं वहाँ बैठे रहे। समिति के लोग उनको वहाँ विदा देने के लिए आएंगे और आपको आज का प्रसाद भी मिलेगा। इस रामकथा के आज पंडाल में चारों गेट पर प्रसाद वितरण हो रहा है, वही प्रसाद लेकर ही आप जाइए, ऐसी प्रार्थना। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, अब मंच पर कोई ना आए, यहाँ से रामायण मैया एवं पूज्य बापू को जाने के बाद, विदा करने के बाद ही आप सब धीरे धीरे पंडाल से बाहर पधारे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। रामायण मैया की जय। प्रेम से जय जयकार करें, इतनी प्रार्थना। सभी भाई बहन अनुशासन से ऐसे ही स्थिर खड़े रहे, कोई भी व्यासपीठ के पास न पधारे, ऐसी प्रार्थना। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरु भगवान की जय। रामायण मैया की जय। भारत के संतों की, भारत के तीर्थों की, भारत के ऋषियों की, भारत के सैनिकों की जय। प्रेम से बोलिए सब, बापू जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। बोलिए रामायण मैया की जय। श्री रामायण मैया की जय। रामायण मैया की जय। गुजराती में विदाई के वक्त कहते हैं आवजो, सभी से प्रार्थना है, परम पूज्य बापू जी से कहो आवजो, 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 मारे ते गामडे वार वार आवजो, राम धुन गावा ने वार वार आवजो, राम कथा ने माटे वार वार आवजो, ज्ञान दीप जलावा माटे वार वार आवजो, मातृ भक्ति जगावा माटे वार वार आवजो, आवजो जी आवजो, बार बार आवजो, पितृ भक्ति जगावा माटे बार बार आवजो, गुरु भक्ति जगावा माटे बार बार आवजो, अतिथि भक्ति जगावा माटे बार बार आवजो,
प्रेम ज्योत जगावा माटे वार वार आवजो, मृत्यु मोक्ष देवा।